children of the planet, welcome to your favorite Akash Baiju's Neat channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. Now, we met yesterday. Yeah, I'm sure you remember we met yesterday and we spoke about mitosis. है ना, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे. विल फिनिश दिस सर्कल. या बिकॉज अगर हम अपनी तैयारी में कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो वो हमारे स्कोर पर और फाइनल डे पर रिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसा तो मैम होने ही नहीं देंगी. कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. आज आप बहुत कुछ सीख कर और अपना फ्यूचर बनाकर ही जाओगे, ऐसा तो इस क्लास में पक्का है. एक एमसीक्यू तो आना ही आना है, ज्यादा आ जाए तो भाई लॉटरी लग गई, है ना. तो छोटा सेशन है आज. मैं एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम्स भी डीकोड करूंगी और जो थियरी दी हुई है वो भी डीकोड करूंगी. मोस्टली बच्चों को प्रोफेज वन बहुत मुश्किल लगता है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड डीकोड एवरी वर्ड ऑफ इट, है ना. अब तक हम चैप्टर भी पूरा कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व कर चुके हैं. मानो ना मानो तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है. ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसे ही हार्डवर्क करते रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा. तो बने रहना, प्लीज स्टिक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड बी रेगुलर टू द क्लासेस. नाउ पीपल, मुझे पता है आप लोग सुन चुके हो, बट वी कैन नॉट कंटेन इट. हाँ, हमसे तो हम इसके बारे में बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज एन इनिशिएटिव विच इज ओनली टेकन बाय नन अदर देन द पाइनियर्स ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने एजुकेशन को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ ही इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बदल दिया. दे आर नन अदर देन आकाश बायजूस. या सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी. डोंट लेबल योर सेल्फ, आई एम अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ गुड स्टूडेंट, वेरी बैड स्टूडेंट, दिस एंड दैट. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, या टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, टू स्टार्ट बिलीविंग इन देयर ड्रीम्स. ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे सपने तो पूरे हो ही नहीं सकते. दिस प्लेटफॉर्म आकाश बायजूस इज फॉर एवरीबडी. वी डोंट सी कि आप अपनी क्लास में कौन सी रैंक लेकर बैठे हो, आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट समझते हो या नहीं समझते हो. एनरोल फॉर इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट राइट नाउ बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड थे जिसके जितना ये बड़ा टेस्ट है, इसके लिए लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट, उतने ही बड़े इसके रिवॉर्ड्स हैं अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो. बच्चों, लाइक दिस सेशन बिकॉज आई नो यू लव आकाश बायजूस नीट सो मच. मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ. आप चैट में क्या बोलते हो, आप कॉमेंट सेक्शन में क्या बोलते हो, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. लेकिन दिन रात हमारा एक ही लक्ष्य है. दिस ओनली वन डेस्टिनेशन वी सी कि हम आकाश बायजूस नीट प्रिपेयर्स and furnishes the best doctors in this country like we have been doing. इसलिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए. जैसा कि मैंने कहा, बहुत कुछ लेकर ही जाओगे. एंड शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी यू नो. या बिकॉज सेल साइकिल, ट्रस्ट मी पीपल, आई नो हाउ मेनी चिल्ड्रन इन दिस कंट्री आर नॉट स्टडिंग दिस टॉपिक राइटफुली. या दे आर जस्ट बींग टॉट बट they are not made to understand cell cycle. So, इस topic में अगर इधर से उधर हो जाता है understanding में, इसको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है पढ़ाने वाले के लिए, वो उसकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है. तो ये session सबके साथ share कीजिए. कल mitosis की बात की थी, आज मैम meiosis लेके आने ही वाली थी, है ना. मैम को कैसे नींद आएगी जब तक मैम टॉपिक अच्छे से समझा नहीं देंगी हमें, है ना. फटाफट लाइक द सेशन बच्चों, फटाफट, एंड शेयर द सेशन. चलो अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन, कौन सी लाइन से कैसा एमसीक्यू बन सकता है और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं. देखो भाई, वी नो meiosis इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल्स. टू इज द कीवर्ड हियर. पेन मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, है ना. सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन. मैंने क्लास में बताया था कि भाई दो साइकिल होंगी, लेकिन हर एक साइकिल में उसके सेल डिवीजन के स्टेप्स हैं. कैरियोगाइनेसिस साइटोगाइनेसिस, कैरियोगाइनेसिस साइटोगाइनेसिस, राइट, कॉल्ड एज meiosis 1 एंड meiosis 2. बट द सिग्निफिकेंट फीचर इज
ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस टू में नहीं होती. दिस इज, मैंने आपके साथ एक सेशन किया था 15 अगस्त को कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, है ना. जो बच्चे उस सेशन में थे, मजेदार, तुमसे अच्छी तरह सेल डिविजन कोई नहीं समझा है. तो मियोसिस टू में जब एस फेज होगा तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन मुझे नहीं करवानी है, क्योंकि मेरा मकसद है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड करना. मियोसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड, है ना. तो मियोसिस वन तब होता है जब इंटरफेज में रेप्लिकेशन हो गई है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है. उसके बाद डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग, ये इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट फीचर है कि मेटर्नल और पेटर्नल क्रोमोसोम एक साथ आते हैं. साइनैप्सिस, भूलना नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन. मैंने आपको जब मियोसिस पढ़ाया था, कितने लोग जो मेरी क्लास में रेगुलर हैं, एसेंस ऑफ मियोसिस के दो पॉइंट्स लिखवाए थे, नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में मिले होंगे. वन इज क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड द अदर इज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन. इसीलिए द फ्यूचर प्रोजेनी नॉट ओनली हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट, ओके, बट इट ऑल्सो हैव रिकॉम्बिनेशन. इट इज यूनिक, इट हैज रिकॉम्बिनेशन, या ओइंग टू दिस क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज इंपॉर्टेंट, या. सो क्वेश्चन नंबर टू, फोर हैप्लॉइड सेल्स, दिस इज वॉट यू गेट, हैप्लॉइड सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस टू, नॉट मियोसिस वन, नॉट मियोसिस वन, मियोसिस टू विल गिव यू फोर हैप्लॉइड सेल्स. नाउ लेट्स फोकस ऑन मियोसिस वन का प्रोफेज वन, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, या इट इज द सबसे लॉन्ग, सबसे लंबा फेज. और मैंने तुम्हें बताया था अगर उसने पूछा है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, अपन मार्क करके आएंगे प्रोफेज वन. प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिविजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स वेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, ओ हो हो, एनसीईआरटी भी यही बोल रही है. इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग फाइव फेजेस. मैम हैज बीन टॉकिंग अबाउट दीज फाइव फेजेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर. हर एक फेज में क्रोमोसोम कोई ना कोई हरकत कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस. रेडी पीपल, आईज ऑन द स्क्रीन, ब्रेन ऑन द स्क्रीन, senses of smell, touch, hearing, everything on the screen for a few moments. I'm asking for a lot of time, yeah. So during leptotene people, what is going to happen, the chromosomes become gradually visible, bole to compaction condensation, under light microscope the compaction, there you go, continues throughout the leptotene. To leptotene ka marking feature kya ho gaya bhai, condensation of the chromatin fibers to give you visible chromosomes with the chromatids. This is, ये हो गया, question solve कर लोगे, ये तो आसान है. हर एक phase का significant marking feature अपने को पता होना चाहिए. This is followed by the second stage of prophase 1 called zygotene. Okay, sequence याद रखनी है. क्या होता है भाई, pairing together and this process is called as synapses. ये question होना हो बहुत बार आता है, हर साल आता है. साइनैप्सिस को पूछते हैं बिकॉज इट इज कैरिंग द एसेंस ऑफ माइटोसिस, इट इज इनिशिएटिंग. अगर पेयरिंग नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी नेक्स्ट फेज में. तो इट इज इनिशिएटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ मियोसिस विच इज क्रॉसिंग ओवर. सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज बायवैलेंस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये जो पेयरिंग हो रही है ये होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दीज क्रोमोसोम आर सिमिलर इन साइज, स्ट्रक्चर, शेप, लोकेशन ऑफ जीन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, एवरीथिंग पैरेलल, तभी ढंग से क्रॉसिंग ओवर. जितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है उतनी मस्त क्रॉसिंग ओवर होगी. इज दैट क्लियर पीपल? ओके, सो साइनैप्सिस इज देयर. इसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो मैंने क्लास में बताई हैं, सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, बाइवैलेंट टेट्रॉन. Now, electron chromosomes are called electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by, there you go,
So synaptonemal complex will be seen in which of the following phases is a common previous year question, and it can be a very easy future question in NEET 2023 or 2024 or 2025. These topics will remain important because they form the very foundation or base of the subject, bachchon. Is baat ko samjho. Examiner ke thoughts ko padhna seekho. Wo ye question kyun pooch raha hai? Wo ye concept kyun pooch raha hai? Theek hai? Kyunki usko pata hai ki ye isko chamka, to isko baaki sab chamka. Okay, let's go further. There you go. Bivalent. Jo mere regular bachche hai na, unko abhi matlab bhangda karne ka man kar raha hoga. अरे मैम, ये टर्म्स तो इतने अच्छे से आपने बताई हुई हैं कि भाई द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर डा बाइवेलेंट हो रहे हैं. दीज आर द कीवर्ड्स एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द क्लास जाइगोटीन फर्निशेस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज देर आर सो मेनी कीवर्ड्स है ना. तो एग्जामिनर सोचता है ये नहीं तो ये पता होगा, ये नहीं तो ये पता होगा, चेक करता हूँ. हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज. So bivalent or tetrad formation becomes more clear in the next stage. Okay, the first two, isko isse bhi ek tricky question aa sakta hai ki more clearly visible bivalence will be seen in which stage. If I have to make the paper difficult, which people have done in 2022, so might as well be prepared for 2023. Hai na, hum to winner hai na, hum to if or but kaash और क्या पता मैं नहीं पढ़ने वाले, मे बी वुड बी कुड बी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट हैज हैपेंड. द पेपर इज कम ट्रिकी. आर यू प्रिपेयर्ड? यस, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड. या ओके, द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर्ड टू पैकेटीन. सो ही कैन आस्क यू दिस क्वाइट इजिली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गर. पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स आता है, काटा पीटीएन जॉइनिंग, एनीलिंग, निकिंग, ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बताया था सो दैट यू आर नॉट मगिंग अप थिंग्स. दैट इज समथिंग आई एम अगेंस्ट. वी डोंट डू दैट. या मैम डजंट डू दैट. सो रिमेंबर ऑल ऑफ दैट एंड देन यू डोंट हैव टू मग अप व्हाई पैकेटीन will be longer in duration as compared to zygotine or leptotine. It totally makes sense. Yeah? During this stage, the four chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrads. You know what? I feel this could easily become a moderate to difficult level of MCQ in the next year or the next year. Yeah? So might as well. This is what my heart is saying. And my heart carries the heart of a teacher and an examiner. So might as well listen to ma'am. Yeah? As much as I want easiest paper on the planet to come for you, let's be prepared. Hai na? Ki bhai, tetrad formation happens in, dhyan se sunna meri baat, tetrad formation, bivalent formation happens in which stage? Zygotene. Tetrads are clearly visible in which stage? Packeting. This stage is characterized by appearance of, there you go, recombination nodules. Keyword people, question number 10 question nikal diye humne sirf prophase 1 se. Isko main thoda cleanly mark karti hu aur suno, ma'am to pen se mark kar rahi hai lekin aap log pencil se mark karoge. Apne ko ye book abhi acche khase 2 saal padhni hai agar 11th mein ho. Ek saal bhi hai, book ko ganda na kare. It creates that kind of impact on the brain. If your surroundings are cluttered, if the book you are reading is cluttered, it's not good for the conditioning. Okay? So psychological fundas that I'm giving you. You might as well follow it. So, isko na pencil se, safai se, pyar se, itminan se mark karein. I'm marking it with pen because I have to give it to you guys. I have to give you the notes. The sites at which crossing over occurs between recombination nodules are significant, are the markers for the sites. देखो पूरे के पूरे chromatid पर crossing over नहीं होगी ना, पूरे के पूरे chromosome पर ऐसी sites नहीं होंगी जो जाके उसके साथ ऐसे 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 से cross करेगा. There'll be certain sites, yeah, maybe near the terminal end, maybe somewhere near the center. तो उन साइट्स पर ही नोड्यूल्स या ये गांठ अपीयर होगी
कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है मैंने तुम्हें क्लास में एग्जांपल दिया था रेड धागे का वाइट धागे का, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में रिकॉम्बिनेशन होगी तब तो जाके एक बात बनेगी ना, तब तो जाके न्यू कैरेक्टर्स विल अपियर इन द फ्यूचर जनरेशन. क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन द मेटर्नल एंड द पेटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द इंजाइम इज रिकॉम्बिनेज. मैंने क्लास में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया था, याद आ रहा है? किस किस को याद आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स और सेशन को शेयर कर दो फटाफट. एक शेयर का बटन दबा के तुम्हें सबके साथ शेयर कर देना है, वैसे भी तो तुम इतना एक्टिव रहते हो मैसेजिंग में, माइट एज वेल शेयर इट, किसी का भला ही हो जाएगा. आई टोल्ड यू इट इज रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, देर आर मल्टीपल इंजाइम्स. लेकिन आपको डिटेल में नहीं जाना है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination is completed by the end of pachytene, leaving the chromosomes linked. Ab wo aise phas gaye at the sites of crossing over. Now what will happen? The beginning of diplotene is, what is the key feature? Dissolution of the synaptonemal complex. Question number 12. And the tendency of the recombined homologous chromosomes of bivalence to separate from each other except at the sites of crossover. तो जब ऐसा होता है when the synaptonemal complex is dissoluting, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, but at the site of crossing over ये नहीं हो पाते. लेकिन जब ये कोशिश करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई कहीं पे crossing over हुई है. So those sites are called as, these X-shaped structures are called as chiasmata. तो ये आपके विजिबल हो जाते हैं डिप्लोटीन में. ये कीवर्ड नंबर कीवर्ड है डिप्लोटीन का, काफी इंपॉर्टेंट. क्यास्मेटा अपीयर्स इन डिप्लोटीन एंड दे शो द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दैट अपीयर्स इन पैकेटिन टेल्स यू कि क्रॉसिंग ओवर होगी, इट इज इनिशिएटेड. बट क्यास्मेटा विच अपीयर्स इन डिप्लोटीन कन्फर्म्स दैट कार्यक्रम हैज कंप्लीटेड, काम हमारा हो गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना? इस ये क्वेश्चन मैं आते हुए देख रही हूँ एग्जाम में. इन ओसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन, ये मैंने क्लास में बताया था, और आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो बड़े बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हो ड्यूरिंग ओजेनेसिस, कि ओसाइट्स डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक और फर्दर डेवलपमेंट हैपन्स क्वाइट लेटर इन अ फीमेल, कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. डायगाइनेसिस की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बाय द एंड ऑफ डायगाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन. डायगाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज. डायगाइनेसिस लास्ट फेज है. अब डायगाइनेसिस में क्या होगा? डायगाइनेसिस में वही होगा जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में हुआ था, राइट? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? एस्टर बॉडीज बन गई थी प्रोफेज में, वो बन जाएंगी. स्पिंडल एपरेटस अपने आप को सेट रखेगा, तैयार रखेगा, क्योंकि मेटाफेज वन में मुझे इक्वेटोरियल प्लेट पर इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लगाना है. सो आई विल प्रिपेयर द स्पिंडल एपरेटस वेरी प्रॉपरली. एस्टर बॉडीज की अलाइनमेंट होगी, ऑर्गेनल्स विल डिसअपीयर, वो सारा कुछ जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में होता है, जो तुमने कल मेरे साथ पढ़ा था, सेम विल हैपन इन डायगाइनेसिस. आई विल टेल न्यूक्लियर एनवेलप टू गो ऑफ, न्यूक्लियोलस टू गो ऑफ, बिकॉज आई वॉन्ट द साइटोप्लाज्म क्लियर फॉर रेस्ट ऑफ द फेजेस टू हैपन. इज दैट क्लियर? अब ना जो बाकी फेजेस हैं वो आपको फिर भी मालूम है, समझ में आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टू डीकोड द डायग्राम, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. ये हमारा प्रोफेज वन है. प्रोफेज वन में देखो क्रॉसिंग ओवर दिखाई हुई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, डिप्लॉइड सेल है. मेटाफेज वन पर तुम क्या देख पाते हो? तुम ये देख पाते हो कि दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगी भाई मेटाफेज वन में, एक नहीं बनेगी. और काइनेटोकोर से, यहाँ पे जो काइनेटोकोर होगा वहां पे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, है ना? तो एक स्पिंडल फाइबर इस पोल की तरफ अटैच्ड है, ठीक है, और एक स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल की तरफ अटैच्ड है. उसके बाद एनाफेज वन में सेंट्रोमियर नहीं सेपरेट हो रहा है, सेंट्रोमियर की डिवीजन नहीं हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर गेटिंग सेपरेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट.
और टीलोफेज वन के एंड में अपने को क्या मिला, अपने को दो डॉटर सेल मिले विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यस, उसके बाद अपन आ गए मियोसिस टू में. बच्चों, मियोसिस टू में अपने पास दो डॉटर सेल थे, दोनों में देखो डिवीजन हो रही है. जब दोनों में डिवीजन होगी, प्रोफेज टू में क्या होगा, प्रोफेज टू में दोबारा से अगर इनके इनका इंटरफेस हुआ होगा, अगेन कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, स्पिंडल एपरेटस बनेगा, सब होगा, दे विल अलाइन टुगेदर. इट इज़ वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, बट देर आर डिफरेंसेज, जो मैंने क्लास में बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं होगी, है ना, एंड डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज इज सीन इन माइटोसिस. मेटाफेज टू में एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बन गई, क्योंकि अब तो क्रोमोसोम नंबर हाफ है अपने पास, कोई चक्कर ही नहीं है. और अब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा एंड देर विल बी सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स. यहाँ पे एनाफेज वन में अपन ने देखा था देर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हियर देर इज सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स. इसको याद रख लेना, ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टीलोफेज टू के एंड में अपने को चार डॉटर सेल्स मिले विद एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज हाउ मियोसिस हैपेंस. तो बच्चों, ये थी एनसीईआरटी डीकोडिंग ऑफ मियोसिस. जितने भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल टेक अप ऑल द डाउट्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.